Hi guys, so keep watching Nashpati Prime and subscribe their channel or bell icon pe click kar dein. यार मैं तो रहता हूँ कनेक्टेड से नहीं, मगर अब चले नॉर 4G और टू बी ऑनेस्ट भी हो गए कनेक्ट, क्योंकि हम सबको चाहिए ना मोर से ज्यादा एंटरटेनमेंट, इसलिए खातिन और हजरात, लेडीज एंड जेंटलमैन, सीजन 3 ऑफ TPH प्रेजेंटेड बाय नाशपाती प्राइम। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, इनका कंटेंट देखकर लोग अक्सर कहते हैं यार ये क्या बेकार फिल्म थी, इसीलिए इन्होंने इससे बचने के लिए अपना नाम ही बेकार फिल्म्स रख लिया ताकि इनको बुरा ना लगे। So ladies and gentlemen, put your hands together for our guest tonight, Bekar Films! चलो, बहुत ही बेकार एंट्री। यार नाम का लाज तो रखनी है। नाम की लाज। कैसे मुबीन, कैसे समी? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अफसोस हुआ, आपका पूरा जो ट्रूप है, जो आपका एक ग्रुप है, टूट गया। नहीं टूटा। तुम नोट कर रहे हो हमारे बजट का मजाक उड़ाया गया। यार आपको बुलाएंगे भी नहीं ना बड़े शो वाले, छोटे छोटे सोफों में चलाना है भी काम। हाँ जाहिर है, बड़े सोफे सारे टीवी वाले ले गए, वेंडर्स के पास ही छोटे छोटे बचे। आज पे लेट भी नहीं सकते। ये वो ब्लैक रंग का काउच नहीं है, ये ब्लू रंग का काउच है, इस पे बैठ के काम चलाना है। वो क्लोज इनफ है ना, तो वो समझे कुछ और। मेरा एक्सपीरियंस नहीं है भाई, आई फील सॉरी अबाउट यू गाइस, बट यू नो आई डोंट नो अबाउट दिस। नहीं, हम लोग तो बेकार है यार, हम अच्छा। हाँ शुरू करें, अभी शुरू नहीं हुआ था। नहीं नहीं अभी अच्छा। तो ऐसे वार्म अप हो रहे थे। तीन डिफरेंट फैमिलीज हैं, क्या तीनों के घर से एक सा रिएक्शन आया या डिफरेंट रिएक्शंस आए जब शुरू में पता चला कि यार ये बच्चे ये काम कर रहे हैं? चार डिफरेंट फैमिलीज थी शुरू में, जो बाद में तीन हो गए। वो कहाँ गया वो एक लड़का? वो मर्ज हो गए ना, एक रिश्तेदारी में कन्वर्ट हो गए। अच्छा वो शुरू में, हाँ, वो गजमफर ने शेयर अपना जो है बढ़ा लिया। गजमफर ने शेयर बढ़ा लिया, इस हंसी के पीछे दर्द भी था, सभी की हंसी के पीछे दर्द नजर आया बासित मुझे। शे रिमेन्स द सेम राइट। पहले दो जगह पे जा रहा था, एक जगह पे जा रहा है वो बनाए। हाँ। अच्छा है नहीं ना अभी वो। हाँ, अभी कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा ये बताओ कि घर से क्या, समी आपकी पहली वीडियो जब अब्बू ने देखी, अम्मी ने देखी, तो क्या कहा बेटा ये क्या है? मेरी तो उन्हीं की रिएक्शन पे तो नाम ही रखा बेकार। नहीं, मेरी तो पढ़ाई जब मैंने शुरू की थी तभी से ये रिएक्शन था कि ये क्या करने लग गया, फिल्म पढ़ रहे हो। हाँ, ये फिल्म देखो, क्या ये चीज़ देखने वाली चीजें पढ़ क्यों रहे हो? हाँ। यार एक कॉमन माइंड सेट है लोगों का, जब हम कहते हैं ना कि फिल्म पढ़ रहे हैं तो उनके जहन में वही मुजरा आता है, तो ये माइंडसेट चेंज करना था। समी तुम इससे अग्री नहीं करते? मेरे घर पे नहीं आता आपस में इख्तलाफ है, नजर आ रहे हैं बासित दरारे हैं। हाँ तो ये कॉमन माइंडसेट है, क्योंकि अक्सर लोग जब मैं कहता था कि यार मैं फिल्म पढ़ रहा हूँ, तो उनको यही लगता था दोस्तों को कि अच्छा आखिर में शायद, क्योंकि हमारे पास रेफरेंस जो था वो उसी तरह की फिल्म्स थी, हमारे पास पाकिस्तान में कोई रेफरेंस ही नहीं है माशाल्लाह, फिल्म्स थी नहीं उस वक्त। सो हम इंडियन, या तो हम जो स्टूडेंट्स थे वो अपने सामने इंडियन सिनेमा रखते थे या ईरानी सिनेमा रखते थे, पाकिस्तानी सिनेमा अगर रखते तो वहाँ पे यही नजर आता, सामने रख नहीं सकते थे पाकिस्तान। बस ये वो कोने में रखना पड़ता था। उस वक्त एक फिल्म आई थी, खुदा, कैमरा भी सामने नहीं होता था, वो भी आगे पीछे होता था। उस वक्त एक फिल्म आई थी खुदा के लिए, तो खुदा के लिए घर वाले कह रहे थे मत पढ़ो ये। हाँ अच्छा, तो कभी कोई ऐसा जानने वाला मिला जिसने कहा यार तुम ये पढ़ क्यों रहे हो, तुम्हें क्या देखना अलाउड नहीं है? बोला ना कुछ, जैसे हमारे एक जानने वाले थे जो मुझसे पूछने लगे कि यार गोल्फ के क्या उसूल है, मुझे समझ में नहीं आते। मैंने कहा यार जिसका सबसे कम स्कोर होगा वो जीतता है इसके अंदर। कहने लगे यार अजीब बेवकूफ लोग है, खेलते ही क्यों, खड़े रहे, जीरो स्कोर आएगा जीत जाएंगे। अच्छा बॉल डालनी भी होती है ना, लोगों को लगता है कि शायद ये फिल्म मेकिंग बिल्कुल ही फन या फन लविंग चीज है, मजा आएगा। भाई इसमें ज्यादा घोड़े खुल जाते हैं, बहुत ज्यादा, आपकी रात नींद हराम होती है। घोड़े खुल जाते जी, हॉर्सेस खुल जाते, फिर बंद कैसे होते? अभी तक बंद नहीं किया। गरम हो रहा है बासित, गरम मथीरा की बाकियात। अच्छा जो सबसे मशहूर वीडियो है कौन सी है वो? भाई मुझे पता है लेकिन मैं आपके मुझे सुन लूं, आप किसको समझते हैं, ऐसा ना लगे कि हमने कोई रिसर्च ही नहीं है। यार
जाहिल हवा। मैं कहूंगा कि बहुत सारी है, तो आप बोलोगे चौड़ा आ रहा है। वैसे भी मैं कह रहा हूँ चौड़ा आ रहा है, तुम थोड़ी एक्सरसाइज करें। देखिए सोफा छोटा बोला, इसकी वजह से ही हुआ है छोटा सोफा, हमने चार पांच एडजस्ट करते हैं इस पे। तो बस नहीं, जाहिल अवाम मेरे, जाहिल अवाम मेरे ख्याल से उसका जो जुनैद अकरम की वीडियो थी। जुनैद अकरम थे उस वीडियो में, हां थे, अब नहीं। वो कंटेंट कुछ इस तरह का था कि लोगों को लगा कि शायद वो जुनैद का आइडिया होगा। उन्होंने मना नहीं किया, कभी बयान नहीं आया कि नहीं मेरा नहीं था। नहीं, जुनैद ने हर जगह ऐसी बातों में बयान से बात हुई है, ऑफ कैमरा तो उसने बोला है। ऑफ कैमरा जुनैद से डर गए, ये कैमरा ऑफ मेरे दोस्त है। अब मुझे पता है मुबीन का दोस्त है, मैं हर वक्त तभी तभी स्टोरीज देखता रहता हूँ। ये दोस्ती रिश्तेदारी बदल जाएगी किसी की, ये बदल जाएगी, इसमें पोटेंशियल है। नहीं नहीं, दोनों के अभी बेटे ही हैं। ओ यार, आप गलत जगह जा रहे हो। किसके अगर ऐसा हो, 3 मिनट से वीडियो डाली, आ गए 2 मिलियन, हटती है? नहीं, एंजॉय करता हूँ। हाँ एंजॉय करते हो, कभी हटी एंजॉय करते हो। अभी तुम्हारी वाली के लॉट डी, उनके 3 मिलियन। तो अच्छा, humor is very difficult to achieve. Yeah. So yeah, so how do you make it funny? How do you make your videos funny? What is your source of inspiration? Kaise funny ban jata hai? Just because you guys are friends from childhood aur baithte ho to hansi mazak hota hai? Nahi, it's from daily life. Aap jo ghar pe karte ho na, usse hi aap inspiration milti hai, for us at least. जो घर में मुबीन को डांट सुनने को मिलती, या मुसम्मी को डांट सुनने को मिलती, अम्मी बने रहते। सबसे ज्यादा नोट अम्मियों को ये करते हैं, ये पता चला है। अम्मियों को मुझे लगता है यही है। गलत नोट कर रहे हैं, मैं तो कोई अम्मी नहीं देखी दाढ़ी मूछों वाली यार। भाई ये अम्मी की यही USP है कि तुम्हें कौन अम्मी बना के बेवकूफ बना रहा है कि मैं अम्मी हूँ और दाढ़ी मूछ। आओ मैं तुम्हें ममता दूँ। तुम्हारा चलो कम से कम अम्मी बना रहे हैं। अम्मी और अब्बू दोनों के फ्लेवर आ रहा है ना, ये अच्छा सस्ते में जो काम निपटाना हो तो वो भी मिल जाए। तो क्यों मुबीन, तुम्हें क्यों अम्मी बनाते हैं? आपके अंदर कोई ममता यार? बस अब ममता इसकी एक स्टोरी है छोटी सी। प्लीज, द स्टोरी वाज के फर्स्ट एवर वीडियो जब माँ कब बने, हाँ जब ये माँ माँ कोई और बन रहा था, मुश्तक आएगा। ये माँ कब बने, माँ बन रहा था जाजी, वजनफर को हम जाजी कहते हैं, ठीक है? तो जाजी बन रहा था माँ, बट कोशिश की। हाँ वो बेचारा 17 साल रहा US में, फिर वो आला तालीम हासिल करने के लिए पाकिस्तान आ गया। ठीक गुड बॉय, वो भी कोरंगी क्रीक। हाँ ठीक है, है वो तो, अमेरिका से पढ़कर आए और अमेरिका में उसने हाई स्कूलिंग की और फिर वो आला तालीम चले। बिल्कुल, मैं इमेजिन कर रहा हूँ, आप इमेजिन कर रहे हो, उसने फेस किया उसको। खैर एनीवे, तो वो बन रहा था माँ, बट उसके अंदर ना वो अमेरिकन माँ फंसी हुई थी, तो वो बेचारा देसी माँ बन नहीं पा, आजाद ख्याल माँ बन रहा था। हाँ और आजाद ख्याल नहीं, आजाद ख्याल कभी भी माँ बन सकता था वो। हाँ और वो हाँ तुम बोलो माँ। तो खैर वो माँ बन रहा था, बट वो ही वाज़न्ट एबल टू डिलीवर द देसी माँ, राइट? मुबीन वाज़ डिलीवर द देसी माँ, अच्छा कैरेक्टर, एंड मुबीन वाज़ गाइडिंग हिम, ठीक है? तो वी थॉट यार ये बंदा ज्यादा बेहतर है, तुम अच्छी माँ बन सकते। हाँ बस अब ये लोगों ने इमेजिन किया, उस वक्त मेरी मूछें ज्यादा बड़ी थी, दाढ़ी नहीं थी इतनी, बट इनको मुझ में माँ नजर आई। अब उस माँ की दाढ़ी भी निकल गई। नासिर में तुम्हें सिर्फ देखूंगा, कुछ कहूंगा नहीं। ठीक, तो बस वो जन्मदिन था माँ का हमारी। उस दिन माँ पैदा हुई, माँ से बाहर आएंगे। बिल्कुल, माँ की बात सभी आए तो हमें भी आना। तुम क्रेडिट तो सबको दे रहे हो समी मियां, मगर तुम अमेज़न प्राइम पर अकेले चले गए। अकेले चले गए, ये लड़का अमेज़न प्राइम पे अकेले चला गया, जबकि ये चार लोग और हम नाशपाती प्राइम पे आ रहे हैं। नाशपाती प्राइम पे आ रहे हो, टोटल सीढ़ियों का पहला स्टेप है वो, अभी सब जाएंगे। तुम इन पे चढ़ के ऊपर चढ़ गए हो, ये है वो सीढ़ियां। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा कुछ बोल रहा हूं साथ लेके बैठा हुआ हंस रहा है। हां है तो यही ताबीज पे सही पूछ रहे हो, और कुछ इसी ने लिख के दिया ये सवाल, ये पीछे से कोई। अच्छा, क्या स्टोरी है, कैसे पहुंचे अमेज़न तक, क्या हुआ? बेसिकली हमने एक सीरीज बनाई कॉल्ड क्लिकबेट, देयर इज अनदर वेंचर ऑफ माइन कॉल्ड इमेजिनेशन पिक्चर्स, वहां पे आई डू ऑल ऑफ दिस थिंग्स व्हिच आई डोंट डू ऑन द कार फिल्म्स। अच्छी वाली चीज ए स्टफ, ए क्लास स्टफ। ऐसा नहीं है, इट्स जॉनर का फर्क है ना, न्यूज़ चैनल पे आप एंटरटेनमेंट नहीं चलाएंगे। चल तो रहे, अब चल तो फिर बहुत कुछ रहा है, मॉर्निंग शो भी चल रहा है। खैर तो इमेजिनेशन पे एक सीरीज बनाई हमने क्लिकबेट, जो रिलीज कर दी थी हमने। फिर आई गॉट इनटू टच विद अ डिस्ट्रीब्यूटर, जिन्होंने बोला व्हाई नॉट अमेज़न एंड इन फ्लाइट राइट्स। तो फिर वहां से कोई लीड मिली, एंड देन तुमने पूछा भी नहीं झूठे मुंह यार मुबीन करेगा, मुबीन क्या करता, वो तो बन के रिलीज हो चुकी थी।
मुझे बताओ एक्स्ट्रा हो, आप दरवाजा खटखटाते हो तो आप एग्जैक्टली ऐसी दरवाजे वाले सीन में ही हूँ मैं, दरवाजा खटखटा के मैं ही निकलता हूँ। मुबीन भी है, जाजी भी है, दो लोग हैं। ऐसा एहसान जताया तुमने। हाँ, मैंने बोला कहीं ऐसा फील ना हो कि नहीं लिया कास्ट, कास्ट नहीं लिया। मुझे बहुत जल्द बेकार फिल्म्स में दो ही लोग नजर आ रहे हैं, तीन, सॉरी तीन, तीन। यार मैं तो रहता हूँ कनेक्टेड कनेक्टेड, मगर अब चल इन और 4G और टू बी ऑनेस्ट भी हो गए कनेक्ट, क्योंकि हम सबको चाहिए ना मोर से ज्यादा एंटरटेनमेंट, इसलिए। मुबीन, और ये सेपरेट सवाल पूछूंगा अलग अलग, सबसे यूजलेस टैलेंट क्या है आपके अंदर? मैं जबान खड़ी कर सकता हूँ। एक्चुअल मैंने भी खड़ी कर ली, तुम्हारे अंदर भी वही टैलेंट है ज़बान वाला। वेरी गुड यार, चलो यार तुम्हारे अंदर ज़बानी भाई है, ज़बानी मुंह ज़बानी भाई है। मुझे अगर तुम लोगों को सुपर पावर मिल गई, किसी आमिर बंगाली बाबा ने तुम्हें सुपर पावर दे दी और कहा यार आज से तुम दोनों गायब हो, अच्छा नजर नहीं आओगे, सही, ये अक्सर कोई पॉलिटिकल पार्टी दे सकती है इस तरह की सुपर पावर, नजर नहीं आओगे, नजर ये वाली एनआरओ दे रहे हैं वो एनआरओ दे रहा है आपको, अब तुम नजर नहीं आना, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा भी कुछ लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं कि आप नजर नहीं आ रहे हो, सही, तो आप नजर नहीं आ रहे हो तो क्या करो? यार मैं क्या करूंगा, मैं इलॉन मस्क के मैं दौलत लूटने चले आऊंगा, उसकी उसकी डिजिटल दौलत है भाई, वो कहां से लूटोगे तुम, उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ उसके उसके क्रिप्टो कुछ ट्रांसफर कर लूंगा, पैसे चाहिए क्यों होंगे जब गरीब तुम इनविजिबल होगे, जो चाहिए उठा लेना, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे ना पैसों से। हां सही, तुम बताओ, तुम Amazon पे आके इसको छोड़, तुम बताओ यार, अब अपन फर्स्ट ग्रेड वाले बात करें, ट्रिपल ए कैटेगरी में आ जाओ, दो प्राइम बैकबेंचर्स, आप ही अपना यार सेट हो जाएगा, तुम कोई हरकत नहीं करो, पड़े रहोगे अपनी जगह, हरकत चले गए यूरोप के टूर पे, जहाज में ऐसे ही बैठ गए, किसी की मतलब सीट पे बैठ गए, उसको नजर जहाज में क्यों बैठेगा फिर, तो मेरे ख्याल से ये उड़ नहीं रहा ना, ये इनविजिबल हुआ, हां उड़ा थोड़ी, आप टेक्निकली लोगों के वॉशरूम की सैर करता रहेगा मेरे ख्याल से, क्यों देखने के लिए, किसी को बासी थी इधर, क्लोज अप कर लो इसका मूवी, किसी को बाथरूम, हां और बाथरूम जाके क्या देखेगा, प्लंबर है ये नहीं, वो टाइल्स वाइल्स देखने के लिए, टाइल देखने के लिए, तो टाइल की शॉप पे क्यों नहीं जा रहा, क्यों नहीं मूवी, वो असल में वहाँ प्रैक्टिकल हो रहा होता है ना, बाथरूम कितनी मजबूत है टाइल्स, टाइल मजबूत होगा, आपने बाथरूम में टाइल्स चेक किए, मजबूती कैसे चेक किया? नहीं मैंने कभी चेक नहीं, यही तो क्यूरियोसिटी है, एक कोई रीजन होता है ना कि यार एक बंदा अमेज़न पे गया, एक बंदा नहीं गया, अच्छा बहुत अच्छा सवाल, 6 हो चुके, सबकी शादी हो चुकी, समी की शादी हो चुकी, मुबीन की शादी हो चुकी, समी अगर दूसरी शादी का मौका मिले, कोई हो पासपोर्ट वाली ना, पासपोर्ट वाली हो, अब इलीगल इमिग्रेंट ना हो, नहीं बिल्कुल नहीं, पासपोर्ट वाली लड़की से बाहर जाना है तुम्हें, बाहर जाना नहीं बट होना चाहिए, सेकंड पासपोर्ट इज ऑलवेज गुड राइट, सेकंड पासपोर्ट इज ऑलवेज, मुबीन आपको दूसरी शादी करनी पड़े, मेरे तरफ इशारे नहीं करो तुम, बिल्कुल यार क्यों नहीं करेंगे, मौका ही नहीं मिल रहा, मौका मौका मिले तो किससे करो, क्यों नहीं पूछ रहा, किससे करोगे? मैं सवाब कमाना चाहूंगा, किसी को अंग्रेज को मुसलमान कर, आपसे शादी करके शायद उसको जन्नत मिल जाए इतने बड़े सेक्रीफाइस पे। कल ये हुआ कि मैं एक जगह गया और बड़ा रश था, तो मैं सनग्लासेस लगाया था, तो मैं सनग्लासेस ले गया उठा के, तो अब मैं ढूंढता रहा, वो नंबर वाले सनग्लासेस थे यार, मैं ढूंढता रहा कि मैं घर गाड़ी चलानी नजर नहीं आएगा, रात में मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज आया, ताबिश भाई ये रहे सनग्लासेस, चाहिए तो एक तस्वीर चाहिए मुझे आपके, ओके अब मुझे वो लेने जाना है, वो क्रीपी स्टॉकर, मुझे वो लेने जाना है, इतनी दूर लेने जाना है मुझे, पक्की बात है उसको तस्वीर ही चाहिए यार, मैं 3-4 लेने जाऊंगा, हाँ यार उसे तस्वीर चाहिए, उसे सिर्फ तस्वीर चाहिए, मासूम बच्चे, मैं शक नहीं करता हूँ, हम वैसे लोग ही नहीं, हमारे यहाँ बुरा समझा जाता है ये काम, समझे, पक्की बात है तस्वीर चाहिए, हमारा कारोबारी माइंड नहीं, हमारे रेस्टोरेंट नहीं, तस्वीर चाहिए हैं? क्यों पूछ रहे हो आप मुझसे, उन्हें सिर्फ तस्वीर कुछ उगलवाना चाहिए और क्या चाहिए होगा यार, एक्सप्लेन करो आप मुझे यार, इतने अब सेक्सी होते जा रहे हो तुम, जूते पे भी च्युइंगम चुपकी हुई है यार, नहीं चुपकी हुई, मजाक कर रहा था, नहीं मैं बाकी लोगों पे च्युइंगम चुपकी, तो क्यों ऐसे मिडिल क्लास जूते होते ना, मेरी चुंगम चुपकी होती है, मिडिल क्लास जूते में चुंगम चुपकी होती है, वो हर जगह चुपक भी रही होती है, अभी सीजन के साथ सेक्सी होता जा रहा है कपड़े वपड़े, तो इस वजह से कुछ भी हो सकता है, सीजन 6 में क्या होगा यार,
देख कपड़े हो बस तुम लोगों ने ना गलत लाइन पकड़ ली, इस तरह नहीं होगी ट्रेंडिंग भाई, नहीं होगी, तो नहीं होगी, तुम जो कर रहे हो ना। अच्छा व्हाट इज इंस्पायर हो गया है समी, तुम्हें पता होगा इसका मतलब, इससे तो मैं उर्दू में पूछूंगा तुम्हारा गिल्टी प्लेजर क्या है? ओके बिंज वॉच एनिमे। सही है, एनिमे बिंज वॉच करते हो तुम, लेकिन अच्छा एनिमे, स्टोरी लाइन होती है। एनिमे, हाँ बिल्कुल ऐसी, यही सही बात की। मैंने एनिमे पहली बार सुना है कि अच्छा भी होता है ये आपकी लाइकनेस और डिसलाइकनेस पे डिपेंड। मैंने कभी देखा नहीं, मगर कॉन्टेक्स्ट पहली बार सुना है कि अच्छा भी होता है। मतलब लोगों ने कहा यार एनिमे यूं ऐसे, हाँ वो फिर वो वही वाला देखते होंगे ना। चलो तुम ये बताओ तुम्हें किस गंदी चीज में मजा आता है? मजा आ गया था नहीं गंदी चीज नहीं बोले बट नहीं मैं अक्सर मैं लिटरली मैं नासिर खान की वीडियो देखता हूँ, उसके बर्थडे विशेज देख रहा हूँ, बड़ा मजा आता है, बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा करता है यार, बर्थडे विश अच्छी करता है। अच्छा अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो कि अपनी लाइफ किसी से आप ट्रेड कर सके, एक्सचेंज कर, स्वैप कर सके, तो कौन है वो आदमी जिससे जिसको कहेंगे यार तुम अपना दो मैं तुम्हें अपना देता हूँ? क्या देने लेने की बात है? फिर मुझे पता था तुम यही बात करोगे। ये क्लैरिटी चाहिए ना, गंदी बात है, जेनेरिक गंदी बात है। नहीं ये कि तुम मुझे अपनी पर्सनालिटी दो मैं तुम्हें अपनी पर्सनालिटी दूंगा। प्रॉब्ली एलन मस्क। एलन मस्क से अपनी, वो तुम्हारी लाइफ क्यों लेगा, वो पागल है वो। अब ये देखिए ये तय नहीं हुआ कि वो लेगा नहीं लेगा, बात ये हो रही है कि मैं उससे ले लूंगा। जेफ बेजोस शायद हो सकता था। अभी आपके आपको अगर अपनी लाइफ किसी से एक्सचेंज करनी है तो किसको सस्ता लगा दें? मैं डैन बिल्जेरियन। कुछ तो एंटरटेनमेंट हो, मतलब पैसा भी है एंटरटेनमेंट भी हो। बहुत अच्छे वो बैंगलोर में रहता है, मैं ये देख रहा हूँ। अच्छा आपकी नजर उस पे है, पूल्स अच्छे होते हैं। अच्छा ठीक है, अब कोई सिचुएशन देनी, सबसे पहले तो आपने सीन डिफाइन करना है, ये तीन लोग बैठे क्या कर? अच्छा मैं हूँ एक ऐसा लड़का जी जिसकी अब्बू जो है वो दूसरी शादी कर रहे हैं, बेवा हो गए थे अब्बू सही है, और बेवा हो गए थे अब्बू और उन्होंने एक दूसरी शादी की है इन आंटी से, ठीक है? अच्छा और तुम वो लड़के हो? मैं वो लड़का हूँ और मैं आया हूँ वो के मतलब अब्बू मुझे साथ लेकर आए आंटी से मुलाकात करवाने के लिए कि बेटा ये है तुम्हारी अम्मी और मैं बेटा हूँ। और अब्बू जो है वो शर्मिंदा है या नहीं है? अब्बू बहुत खुश है, कमीने आदमी है इस फिल्म में भाई, बेकार फिल्म है ना इसलिए ऐसे ही कैरेक्टर होंगे। ओके सही है, और मैं बेटा हूँ और आप नर्वस हो क्योंकि आपका बेटा ना बहुत घर के अंदर मैं शोर शराबा करता है और आपको उसके नखरे भी उठाने क्योंकि इकलौता है आप एक ही कर पाए इसीलिए दूसरी लाए हैं इसीलिए किसी और तरफ जा रहे हैं आप लोग रेस्टोरेंट में बैठो आप लोग रेस्टोरेंट में बैठे और बेटे का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है ठीक है सही है, आप कुछ ऑर्डर कर रहे हैं? बाइक लगा ये तो बताओ मिलवाने किससे लेकर आया? अम्मी आई नहीं, अम्मी आई है बेटा है ना वो। हेलो हाँ मैं नहीं बेटा भी मिलने जा रहा हूँ यार अब्बू ना, नहीं अम्मी ला रहे हमारी काबिज बेटा। हाँ अब्बू एक सेकंड, हाँ नहीं अम्मी ला रहे। ये तुम्हारा बेटा है? हाँ इतना बड़ा छोड़ मुझे क्यों लेकर आया? नहीं वो शादी पहले हो गई थी ना, अम्मी अम्मी करा दी थी जल्दी तो शरई है बिल्कुल। काबिज बेटा बैठो बैठो काबिज। अब्बू क्या हाल है? हाँ ठीक है। बेटे कैसे हो? कैसे आंटी अंकल? बेटा अम्मी बोलो। हाँ। मैं अम्मी हूँ तुम्हारी। अभी हुई नहीं है। हाँ। अम्मी आप तभी बेटा हो चुकी है, तुम्हारे बाप ने पहले पीछे सेटलमेंट कर ली है सो अब जायदाद का हकदार आने वाला है। हाँ हैं अब्बू आपने मुझसे कहा था पहले अम्मी दिखाऊंगा फिर शादी होगी। बेटा बस निकाह कर लिया क्योंकि आपको पता है ना मुसलमान है हम लोग तो निकाह कर लिया था। वो तो कह रहे निकाह कर लिया निकाह के बाद निकाह ही होना बेटा क्योंकि ये तो बहुत बड़ा है। तो ताबिश बेटा ये कुलसुम आंटी हैं, आज से आप दो दांत की हैं, दाढ़ी मूछें भी हैं इनकी। देखो बाप का प्यार भी मिलेगा क्योंकि तुम्हारे बाप तो अक्सर बाहर ही होते हैं। अब्बू मुझे लग रहा है अम्मी नहीं अम्मी बहुत दिनों तक पड़ी रही हैं, इनमें झाड़ियां निकल आई हैं। नहीं बेटा यू हैव टू फाइंड योर वे थ्रू। बेटा तुम्हारे अब्बू को असल में स्टेक पसंद है वो भी रॉ, सो इसी वजह से अम्मी भी रॉ लेकर आए हैं। बिल्कुल कोई थ्रेडिंग नहीं, आप लग रही हैं वहीं की रॉ की, हमारे यहाँ की ऐसी नहीं होती अम्मियाँ। रामी नहीं नहीं बेटा इनको मैंने रामी है, रामी बहुत बाऊ रामी बाऊ रामी नहीं नहीं बेटा इनको मैंने दुबई से वो एक तमिल स्मगल किया है तमिल फैमिली से। मुझे समझ में नहीं आ रही अब्बू, मैंने आपको दूसरी अम्मियाँ भी दिखाई थी। बेटा अब तो कंफर्म हो गई, मैं अब तो कहीं नहीं जाऊंगी बेटा। हम तीसरी भी ला सकते हैं आंटी। बेटा चार जायज है ना, बेटा लगा के आई हूँ
मैं नहीं जाने बाहर से आप कुंडी लगा के आ गई। अब अच्छा अम्मी काम करते हैं इस शख्स के पास नहीं, अब मेरे काम के किसी अब काम के नहीं। हाँ वो मुझे पता चल गया है, निक्का इतनी जल्दी नहीं आने वाला। अबू बहुत बिजनेस माइंडेड अम्मी लाए हैं आप। बेटा किसी ने तो पैसों का ख्याल रखना है घर के। वो मैं हूँ। रेस्टोरेंट खोलेंगे इन्हें? इनका है तभी इनको लिखा है मैनी एग्जिट्स के नाम से। बेटा कुछ ना कुछ तो खोलना पड़ेगा, अब आ गई हूँ। Thank you, ladies and gentlemen. That was Mubeen and Sabi from Bekar Films. यार मैं तो रहता हूँ connected connected. मगर अब चले नॉर 4G और to be honest भी हो गए connect. क्योंकि हम सबको चाहिए ना more से ज़्यादा entertainment. इसलिए.